व्हाट्स अप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में फिर से। तो आज हम लोग है ना थोड़ा मैं आया सात बज रहा अभी यहाँ पर, और मैं आया थोड़ा सा एक्सरसाइज करने और थोड़ा सा खेल कूद भी करेंगे, जिम भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। A few moments later. तो गाइस हम लोग का खेल के हो चुका है, वार्म अप कर लिया जैसे हम लोग ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा जिम में जाके थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा मशीनें को यूज़ करेंगे जिम में जो है। तो चलिए चलते हैं जिम में। तो गाइस हम लोग का जिम फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस ये रहा हमारे बिल्डिंग का जिम, और मगर हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे मतलब देखिए यहाँ पे ये पैर का है, ये भी पैर का, ये भी टूट चुका है, और यहाँ पे तो ये हाथ वाला है, और बहुत सारे एक्सरसाइज मेरे को मालूम भी नहीं कौन से एक्सरसाइज है। और यहाँ पे तो डंबल्स भी है, और यहाँ पे सब कुछ है मतलब समझ लीजिए, मगर हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये और ये पैर के लिए ये वाला एक्सरसाइज यूज करेंगे, और हाइट और स्ट्रेचिंग के लिए ये वाला एक्सरसाइज यूज करेंगे। तो फटाक से करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज शुरू। गाइस हम लोग ने कर ली हमारी नाकाम कोशिश, मतलब कि मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, मेरा भाई कभी कभी मदद कर देता है ये करने में, मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, वैसे तो नहीं कर पाता मैं। तो चलिए एक और दो तीन बार नाकाम कोशिश हम लोग अपनी कर लेते हैं। कैमरा मैन फिर से तू मेरा क्लोजअप लेने लग गया है। मैं अभी जो एक्सरसाइज कर रहा था वो हाइट के लिए होती है, तो बहुत अच्छी से उसकी हाइट बढ़ती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को एकदम वो स्ट्रेच कर देता है। तो अभी मैं तो ये वाली एक्सरसाइज तो कर चुका हूँ, अभी मैं करता हूँ सीधा पैर की एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है मशीन, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 10 की जगह पर रखा हूँ मैंने। तो गाइस 3 2 1 स्टार्ट। बहुत ज़्यादा ही ताकत लगती है मेरे को, लेकर अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगी। वैसे तो मैं 2-3 दिन से किया नहीं हूँ ये वाली एक्सरसाइज, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, सब पहले तो अच्छे से कर लेता था, अभी नहीं कर पाता हूँ, फिर से ट्राई करते गाइस। ओ गाइस आवाज़ आगे लग रहा है कुछ। तो गाइस अभी आ जाते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तो अभी आप अगर 13-14 ईयर्स हो तो आपको 10 पे नहीं रखना है, आपको सिर्फ 5 पे रखना है, और या तो आप इसके बदले में रनिंग भी कर सकते हो, आपके घर में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो रनिंग भी ज़्यादा इफेक्ट करता है, मगर ये इससे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। वैसे फिर ना थोड़ा पैर की जो मसल्स रहते हैं वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है और कड़क हो जाती है, और रनिंग ज़्यादा ज़रूरी है इससे, क्योंकि रनिंग से थोड़ा अपना स्टैमिना भी बढ़ता है, और इससे क्या है कि जब कम वेट रखोगे तो स्टैमिना उतना नहीं बढ़ने वाला आपका। अगर आपकी हाइट रुक गई है तो आप ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप अंडर एज है हाइट के बढ़ने के नियम के अनुसार को, तो क्योंकि ना स्पाइनल कॉर्ड को वो है ना स्ट्रेच कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग की हाइट धीरे धीरे करके ग्रो करती है। मतलब कि आप ऐसे मत कीजिए कि एक दिन छोड़ दिए दूसरा दिन किए, रोज कीजिएगा। मेरा तो नाका हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपको मैं सजेशन देता हूँ कि रोज कीजिएगा ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वाली। तो गाइस हम लोग की एक्सरसाइज हो चुकी है, और अभी हम लोग जाएंगे घर पे और थोड़ा सा चाय नाश्ता करके नहा कर आपको मिलता हूँ मैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मतलब कि आज के लिए एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही, वीडियो इतना एंड नहीं कर रहा है इतना जल्दी में,
तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे सीधा और जाऊँगा थोड़ा चाय नाश्ता करूँगा और मस्त खा पी के एकदम या नहाऊँगा, फिर बाद में आपको मिलता हूँ मैं। गाइस मैंने अभी जिम को बंद कर दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने माले पे, मतलब फ्लोर पर जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे हम लोग ने लिफ्ट बुला लिए, लिफ्ट आ भी चुकी है, इतनी जल्दी लिफ्ट आई कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। तो गाइस यहाँ पे लिफ्ट आ चुकी है, तीसरा माले का बटन भी दबा चुका है मेरा भाई। तो गाइस अभी मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और अभी मैं थोड़ा नाश्ता करके और ब्रश करने के बाद नाश्ता करके नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।